ऐसी गल करते हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने बाहर के मुल्कों आने वाले, सब तो पहला तो जिते भी उन्होंने पोर्ट ऑफ एंट्री जितों तो उन्होंने इंडिया पहुँचना उत्ते ही उन्होंने एक सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देने की एक उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है कि वो मौके पर जो सरकारी कर्मचारी होंगे उन्होंने एक सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे जितने उन्होंने खुद की परसनल उन्होंने हेल्थ के बारे डिटेल उसे लिखी भी होगी। देन तो बाद उनकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग तुम्हें पता है स्क्रीनिंग आप जो कोरोना के जो लक्षण होंगे उन्होंने देखने की कोशिश करते हैं। हुण तुसी देख सकते हो कि जो उनकी स्क्रीनिंग होनी तो दो कैटेगरी के लोग होने जिन्हां च लक्षण होने तो जिन्हां च लक्षण नहीं होने। पहले आप गल करते हैं वह लोगों के जिन्हां के विचकार लक्षण पाए जाते हैं, जिन्हां के लक्षण पाए जाने उनकी टैसटिंग होनी RT-PCR साडा वो जो टैसट है वो राही उन्होंने सैंपल लेके उन्हां दी टैसटिंग होनी। उन्होंने जोड़े भी सिम्पटोमैटिक बंदे हैं जो लक्षण वाले बंदे हैं उन्होंने सरकारी अदारियां ले जाके टैसटिंग होगी। टैसटिंग रिजल्ट आने के पश्चात जो वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो दो प्रोटोकॉल है उन्होंने लिए, दो तरीके के ना ही उन्होंने डील किया जाएगा। जेकर वो लो थ्रैड ग्रुप है पॉजिटिव आने तो बाद जो वो लो थ्रैड ग्रुप है जिमें कि उन्होंने एज 60 या उस तो घट साल की है, उन्होंने कोई सिमटम ज़्यादा गंभीर नहीं है, उन्होंने कोई कोमोरबिडिटी यानी कोई होर कोई बीमारी जिमें कि डायबिटीज़ या हार्ट की कोई और परेशानी उन्होंने नहीं है तो इन्हों लो थ्रैड ग्रुप कहते हैं। जो अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं और लो थ्रैड ग्रुप है तो उन्होंने सरकार से कोविड केयर सेंटर्स बने हुए हैं उत्ते भेजा जाऊगा। इस तो अलावा जे वो हाई थ्रैट है लैट से दूसरी कैटेगरी पॉजिटिव है तो हाई थ्रैट जिमें कि 60 साल तो उपर उम्र है कोई कोमोरबिडिटी यानी कोई और बीमारी उन्होंने हुई हुई है जिमें कि हार्ट की सह की उन्होंने बीमारी होर है या उन्होंने जोड़े लक्षण आए हैं वो काफ़ी सीवियर कैटेगरी के हैं। उस तरह के लोगों के लिए प्रोटोकॉल है कि उन्होंने फेज 2 या फेज 3 जो जिस तरह के भी गंभीरता के उन्होंने लक्षण है उस तरह की फैसिलिटी सरकारी फैसिलिटी जी हेल्थ की है उत्ते उन्होंने भेजा जाऊगा तो उन्होंने इलाज किया जाऊगा। दोनों ही थावान पर उन्होंने जी बाद रिलीज़ कर जी जो उन्होंने ट्रीटमेंट हो जाऊगा उन्होंने बाद घर भेजने की जी प्रक्रिया है वो निर्धारित प्रोटोकॉल के राही की जाऊगी। हुण गल करते हैं वो लोगों की जिन्हें कोई मौके पर स्क्रीनिंग जो एयरपोर्ट पर हुई सी उस वे कोई लक्षण पाए नहीं गए उन्होंने असं एसिम्पटोमैटिक बिना लक्षण वाले लोग कहते हैं या वो लोग भी जिन्हें लक्षण पाए गए थे बट टेस्टिंग के बाद वो नैगेटिव पाए गए। ये दोवें तरह के लोगों के लिए जी प्रोटोकॉल है वो बड़ी सिंपल है। मौके पर इन्हों इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जी सरकारी तौर पर क्वारंटीन है वो भावें होटल्स भी हैं वो सरकारी तौर पर कुछ थावान है जितने उन्होंने क्वारंटीन रहना उत्ते उन्होंने ले जाया जाऊगा। उत्ते रोकण के बाद पांचवें दिन उन्होंने उही RT-PCR वाला टैसट किया जाऊगा। टैसट के बाद देखा जाऊगा कि वो पॉजिटिव है कि नैगेटिव है। अगर 5 दिन के बाद जो टैसट होंगे तो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सेम उ जी गल मैं आप जी ने दसी कि दो थ्रैड ग्रुप्स हैं तो उन्होंने कोविड केयर से हाई थ्रैड ग्रुप्स है तो उन्होंने फेज 2 या फेज 3 की जी स्वास्थ्य की साड़ी सहूलत हैं सेंटर्स ने उत्ते भेजा जाऊगा। जो वो नैगेटिव हैं तो 7 दिन बाद उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन है सरकारी अदारे से बैठे ने या होटल बैठे ने उस तो उन्होंने घर जाने की अनुमति है। 7 दिन उन्होंने घर पर खुद ही खुद को क्वारंटीन करके रखना है होम क्वारंटीन रखना है ना एक अंडरटेकिंग देनी है कि 7 दिन वो एक तो होम क्वारंटीन की पूर्ण तौर पर पालना करेंगे तो अपने आप को सैल्फ ऑब्जरवेशन रखेंगे भावें कि अपने बारे ये ध्यान रखेंगे कि कदों ही कोई उन्होंने जो कोविड का या करोना का कोई लक्षण उन्होंने आता है तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके वो रिपोर्ट करेंगे। सो ये मोटा मोटा प्रोटोकॉल है कि जिहड़े बाहर तो लोग आ रहे हैं जिहड़े लक्षण वाले ने ते जिहड़े बिना लक्षण वाले ने एक इत्थे ध्यान रखने की लोड़ है कि कुछ एक्सैप्शनल सरकमस्टांसिज जी 7 दिन की इंटरनेट जी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन है उन्हें वो तो छूट दी जा सकती है तो 14 दिन की पूरी ये जी क्वारंटीन है घर पर की जा सकती है। स्पेशल कैटेगरी जैसे कोई प्रेगनेंसी हो किसी या घर च किसी की डैथ हो गई हो घर च कोई सीरीयस इलनेस हो इन्हों कंडीशन एक्सैप्शनल सरकमस्टांस 14 डेज का होम क्वारंटीन हो सकता है जिहड़ा पहले मैं दस्सिया 7-7 दिन का सीगा 7 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन 7 करता ये पूरा 14 दिन का घर हो सकता है बट ये जो थोड़े जो जिले के DC साहब हैं उन्होंने तो प्रवानगी लेनी पड़ेगी। इन्होंने अपने आप को सैल्फ ऑब्जरवेशन रखना है और यह ध्यान रखना है कि जो कोई इन्होंने कोई कोरोना का कोई सिमटम आता है तो जरूरी तौर पर लाजमी तौर पर जी नेड़े की स्वास्थ्य फैसिलिटी है कोई साडा हॉस्पिटल है उत्थे जाके जरूर रिपोर्ट करना है कि साडे सिमटम इस तरह के ने चैक करके फिर आगे जी कार्रवाई है वो थोड़े नाल कीती जाऊगी। कुल मिला के आप हम धीरे धीरे जी अपनी सूबे की सरहदा है आप खुल रही है लोग ट्रैवल कर रहे हैं हम कोरोना तो डरन की नहीं जागरूक रहने की लोड़ है। आप सारे ये जी कोरोना के खिलाफ मुहिम चल रही है वो साडा सहयोग जो कर रहे हो वो बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहो सुरक्षित रहो तो स्वस्थ रहो। फॉर मोर न्यूज़ अपडेट्स एंड एंटरटेनमेंट वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।
For all latest notification, don't forget to press the bell icon.